तो गाइज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आ चुकी है थॉमस मॉन्स्टर ट्रेन। सो गाइज तो मैं रोज की तरह आज भी साइट पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं बहुत ही मेहनत से काम करता हूँ। अपनी साइट पे तो मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन वो क्या है यार, अरे ये क्या है, ये कचरा किसने डाल दिया यहाँ पर, और ये तो एक ट्रेन दिख रही, अरे हाँ ये ट्रेन ही है, ये इस तरह से इसको कचरे में किसने डाल दिया, कितनी प्यारी ट्रेन है यार, लेकिन इसे इस तरह से किसने रखा है, अरे बॉस इस ट्रेन के डिब्बे को इस तरह से कचरे में किसने डाल दिया। अरे तुम्हें क्या बताऊँ यार, एक टाइम पे ये बहुत ही प्यारी ट्रेन हुआ करती, लेकिन आज ये कूड़ा है और इसे फेंकने के लिए हमें दे दिया गया है। लेकिन इतनी प्यारी सी भोली सी शक्ल वाले ट्रेन को हम फिर से भी तो चला सकते है ना, इसकी दिक्कत क्या है। इसकी दिक्कत चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये 10 साल पहले की बात है जब ये पहली बार लॉन्च हुई थी, और तभी के टाइम पे ये बहुत ही शानदार ट्रेन हुआ करती थी और उसका नाम था थॉमस ट्रेन। और उस टाइम की ये पहली ऐसी ट्रेन थी जो स्टीम पे चलती थी, और उस टाइम पे हमारे शहर में इस ट्रेन को लाया गया था, और उस टाइम पे ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा चली और लोगों को ये ट्रेन बहुत ही शानदार लगी। एक शहर से दूसरे शहर जाने में लोगों को बहुत ही ज्यादा आसानी होने लगी और लोग इस ट्रेन से बहुत ही ज्यादा खुश हुए। पर एक टाइम ऐसा आया कि हमारे शहर में न्यू ट्रेन आने लगी जो कि इलेक्ट्रिक पे चलती थी, और उससे हमारे इस ट्रेन का यूज करना भी लोगों ने कम कर दिया था। लोग इलेक्ट्रिक ट्रेनों को ही ज्यादा पसंद करने लगे और इस ट्रेन का यूज हमारे शहर में कम होने लगा, और चलते चलते एक टाइम ऐसा आया कि ये ट्रेन बंद पड़ गई। और आज के टाइम पे हमारे शहर के अंदर बस इलेक्ट्रिक ट्रेन ही, और इलेक्ट्रिक ट्रेन के चलते इस ट्रेन को बंद करके एक पुराने रेलवे स्टेशन पर रख दिया गया। कुछ सालों तक इसे यहाँ पे रखने की वजह से ये आज कूड़ा बन चुकी है जो कि हमारे इस साइड पे रख दिया गया है इसे फेंकने के लिए। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेन को चालू करके रहूंगा, मैं इसे फेंकने नहीं दूंगा, और पहले के जैसे ही मैं इसे अपने शहर में चला के रहूंगा, और इस ट्रेन के अंदर मैं मोटर लगा के इसे भी इलेक्ट्रिक ट्रेन बना दूंगा। चलो तो पहले इसे साफ करते धो देते, पर मुझे तो यहाँ पे कोई बाल्टी नहीं दिख रही है जिससे हम पानी ले सके, तो चलो मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूँ कि हमने बाल्टी कहाँ पे रखी है। चलो मैंने मोबाइल निकल लिया, और ये क्या बाल्टी तो एक कंटेनर पे रखी हुई है, तो चलो मैं जल्दी से जाकर बाल्टी ले आता हूँ। और कंटेनर के पास तो मैं आ चुका हूँ, और ये क्या हमें हमारी बाल्टी मिल चुकी है, तो चलो इस बाल्टी को लेकर हम चलते है। तो चलो बाल्टी के अंदर तो पानी हम ले लेते है, और पानी हमने ले लिया है, चलो हम हमारे ट्रेन की तरफ चलते हैं और इसे रगड़ रगड़ के धोएंगे, हम पूरा धो लेंगे, पूरा रगड़ रगड़ के इसे चमका देंगे। और ये 2 डब्बे है, और उधर एक इंजन है, और इनके ऊपर भी इनके मुंह बने हुए हैं, तो चलो इसे भी रगड़ रगड़ के धो लेते हैं, पूरा अच्छे से चमका देंगे इस ट्रेन को, जैसे कि नए दिखने लगी ये ट्रेन, पूरी तरह से रगड़ रगड़ के धोएंगे, इधर से भी साफ करेंगे, हमारी ट्रेन नई दिखनी चाहिए। और लगभग हमारी ट्रेन अभी साफ होने ही वाली है, और आप सब लोग देख ही सकते कि हमारी ट्रेन कैसे साफ हो चुकी है, जैसे कि बिल्कुल ये नई दिख रही है, आप सब लोग देख ही सकते हैं, हमारी ट्रेन बिल्कुल नई तरह दिख रही है और बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है, और इसके ऊपर हमने कलर भी कर दिया है। लेकिन एक दिक्कत है कि इसे चालू कैसे करें, इसे चालू करने के लिए हमें तो एक मोटर की जरूरत पड़ने वाली है, तो चलो मैं अपने मोबाइल में लोकेशन देख लेता हूँ और एक मोटर लेके आ जाता हूँ। तो इस लोकेशन पे हमारी मोटर रखी हुई है कि चलो जल्दी से इसे लेकर आते हैं और हमारी ट्रेन को हम जल्दी से चालू करते हैं। इस ट्रेन को चालू करने में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कब ये ट्रेन चालू हो जाए और हमारे शहर के अंदर चलने लगे, तो जल्दी से चलते हैं। और फाइनली हम उस मोटर वाली लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, और इस बिल्डिंग के अंदर है वो मोटर, तो चलो जल्दी से हम मोटर को लेके आते हैं। सो फाइनली हम हमारे मोटर के पास पहुँच चुके हैं, और इसे जल्दी से लेकर चलते हैं और हमारी ट्रेन के अंदर बिठा देते हैं, और जिससे कि हमारे थॉमस ट्रेन चल पड़े। तो ट्रेन के पास आ चुका हूँ मैं, और मोटर हमने लगभग लगा दी है, और चालू होती कि नहीं, और ये क्या हमारी ट्रेन तो चालू हो चुकी है। चलो फिलहाल मैं अभी घर चलता हूँ अपने, क्योंकि अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है और मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, और मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूँ। और ये क्या मेरा दोस्त बहुत ही मुसीबत में है, उसका कॉल आया था मुझे अभी, और उसने मुझे आधी रात को ही अपने घर बुलाया है, और उसका घर दूसरे शहर में,
तो चलो जल्दी से हम चलते उसके शहर के अंदर, और उसके शहर के अंदर तो हम ट्रेन से ही जा सकते हैं इतनी जल्दी। चलो तो फिर फटाफट रेलवे स्टेशन की ओर चलते हैं। और मुझे पता चला है कि हमारे शहर के अंदर जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उसके अंदर नया डब्बा बिठाया गया है, जिसके अंदर ही हम आज रात जाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उस डब्बे से सफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो जल्दी से हम रेलवे स्टेशन की तरफ चलते। लगभग हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और ट्रेन भी आ चुकी है, और ये रहा वो नया डब्बा जो कि आज ही हमारे ट्रेन के अंदर लॉन्च हुआ है, और ये तो पूरी तरह से खाली है क्योंकि आधी रात हो चुकी है और मुझे इसकी टिकट भी आसानी से मिल गई है। तो चलो ये ट्रेन अब कब चलेगी, और ये क्या हमारी ट्रेन चल चुकी है। चलो मैं कल अपने शहर वापस आ जाऊंगा, मेरे दोस्त ने मुझे अर्जेंटली उसके घर बुलाया है इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है, और काफी रात हो चुकी है, मुझे बाहर सड़कों पर भी कोई नहीं दिखाई दे रहा। चलो भाई अभी किसी सीट पे बैठ के आराम कर लेता हूँ। और ये क्या है, थॉमस ट्रेन, ये चल पड़ी, लेकिन ये ऐसी इसकी आँख, अरे इसकी आँख कुछ बदली बदली चीज नहीं दिख रही। ओए ये क्या हो रहा है, ये क्या था, अरे बाप ये क्या हो रहा है, अरे नहीं ये ट्रेन ऐसे क्या कर रही है, अरे ये तो मॉन्स्टर ट्रेन बन चुकी है।